ये देखिए पैनल पैनल से ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13, 14, 19, 24, 30, ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज है। और चेक करना है मान लीजिए कि कितना सोलर पैनल से इस समय आ रही है, ऑन करेंगे, ठीक है, ये मैक्सिमम जो फाइनल बल्ब यहाँ पर जल रहा है ऊपर वाला, देखिए ये जल रहा है हमारा 19 वोल्ट वाला। तो इस समय लगभग 5, 5:30 शाम के 5 PM हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 19 वोल्ट यानी लगभग ख़त्म हो रही है वोल्टेज, 19 पे आ रहा है। वो 19 वाला बल्ब भी फुल ब्राइट नहीं है, थोड़ा कम है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी वोल्टेज कम हो रही है धीरे धीरे। इस तरीके से 20 रुपये के अंदर आप इसे बना सकते हैं, और कैसे बनाना है कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोग को ज़रूर से बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। ये ड्रॉप होकर 14 पे आ जाएंगी, ड्रॉप होकर वोल्टेज जब मैं पैनल से कनेक्ट पैनल को चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए कनेक्ट करूँगा, ठीक है, पैनल आ गया, पैनल से चार्जिंग शुरू हो गई, वोल्टेज हमारी ये देखिए डाउन होके आ गई है, ये देखिए 14 वाले ब्लॉक पर, ये देखिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और 20 रुपये के अंदर बनाया, तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ओके दोस्तों, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोलर पैनल से हमारे पास जो इनपुट आती है, तो बार बार हम मल्टीमीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो काफ़ी महंगा होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हम कैसे केवल 20 रुपये के अंदर अंदर और बना सकते हैं इस तरीके के, और जैसे कि आप देख सकते हैं LED लाइट से बनने वाले एक वोल्टेज लेवल इंडिकेटर जो हमें वोल्टेज को हमें शो करेगा कि कितनी वोल्टेज सोलर से आ रही है, ठीक है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, पैनल से वोल्टेज ये जानी रोक दी मैंने, ठीक है। आप चेक करेंगे कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ पर इसका स्विच है, ये देखिए स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए, ठीक है, जल गया। अब मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पीछे LED है, टेप मैंने इसके लिए लगाया क्योंकि काफ़ी ब्राइट हो रहा है। एक बार लाइट ऑफ करके देखते हैं, ठीक है, तो लाइट ऑफ देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने लेवल दिखा रहा है, देखिए जैसे कि देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 5 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, 13 वोल्ट्स, 14 वोल्ट्स, 19 वोल्ट्स, 24 वोल्ट, 30 वोल्ट्स, ठीक है। इसको ट्यून करके लगाया है, मींस मतलब क्रॉस चेक करके पावर सप्लाई से फिर लगाया है, तो उसी हिसाब से ये ग्लो कर रहे हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए लगभग शाम के 5, 5:30 हो रहे हैं, तो धूप लगभग जा चुकी है, और ऑलमोस्ट जो सोलर पैनल अब दिखा रहा है वोल्टेज, वो आप देख सकते हैं कि 19 के अराउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से सही वोल्टेज दिखा रहा है हमें, नो प्रॉब्लम, और ये देख लीजिए, और मैंने जान के इसके ऊपर LED के ऊपर टेप लगाया, देखिए अगर मैं इसको हटा दूंगा तो हमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन चलिए ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। और जब हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसको इससे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप कैसा आएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमने किया ऑन, अभी अंदर सप्लाई जा रही है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आ गया ड्रॉप, ड्रॉप आ गया, ड्रॉप कितने पर आ गया है, ये लगभग हमारा लास्ट LED 14 वोल्ट्स पर ग्लो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ग्लो जो कर रहा है 14 वोल्ट्स लिखा है ये, और 14 वोल्ट से जल रहा है, उसके आगे नहीं जल रहा है, तो ठीक है। वापस से हटाते हैं तो देखेंगे हम, ये देखिए, तो वापस से 19 पे आ गया। तो इस तरीके से ये हमने जो बनाया आप देख सकते हैं कि केवल 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये दोस्तों, ठीक है, 20 रुपये के अंदर अंदर ये हमें वोल्टेज बता देगा LED के थ्रू, ठीक है। तो काफ़ी सस्ता है, कैसे बनाना है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट में बताइए आप लोग जानना चाहते हैं कैसे मैंने इसको बनाया है। तो देख सकते हैं कितना ईजी है, एक स्विच से ऑफ़ करेंगे ये सब ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑन करेंगे तो ये हमें वोल्टेज बताएगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।